यहाँ पे मैं मॉर्निंग से शुरुआत कर रही हूँ। मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट ही बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है और ये लंबे लंबे कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। तो ये दो प्याज हैं और इसे मैंने बारीक बारीक लंबा लंबा करके काट लिया है, इस तरीके से काटने में अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने हरी मिर्च ऐड कर दिया चार यहाँ पर। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर भिंडी की सब्जी, जो भिंडी भी मैंने इसी तरीके से लंबा लंबा काट लिया है, कुछ लोग गोल काटते हैं बट मैं इस तरीके से ही काटती हूँ। और साथ में मैं बना रही हूँ बैंगन की मसालेदार सब्जी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है गाइस, ज़रूर ट्राई करना, मस्त ट्राई करना। मैं बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद मैं जब ये प्याज हल्के हल्के भुन जाएंगे इसमें मैं डाल दूंगी भिंडी, और भिंडी को डालने के बाद थोड़ी देर चला दूंगी। नमक अभी ऐड नहीं करना है, अदरवाइज़ ये थोड़े अजीब से हो जाते हैं। और इधर मैंने दूसरी कढ़ाई भी रख दी, साथ के साथ दूसरी सब्जी भी बना लूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं कम होता है, फटाफट से ही खाना मुझे बनाना होता है। तो पैन में तेल डाल दिया है, इधर मेरी भिंडी की सब्जी भी फ्राई हो चुकी है, इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी और इसको थोड़ी देर और इसी तरीके से भुनने दूँगी और ये भुनता रहेगा। तब तक उस तरफ मैंने तेल डाल दिया है, तेल में मैं डालूंगी यहाँ पे हींग। हींग के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी जीरा, बस ये क्रैक होने लग जाएगा इतने में मुझे इसमें ऐड करना है प्याज, इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड करने हैं। और यहाँ पे मैं लहसुन अदरक कूट रही हूँ, तो यहाँ पे जाएगा कूटी हुई लहसुन और अदरक। जब ये प्याज हल्का सा ब्राउन होने लग जाएगा तभी मुझे ऐड करना है। और इधर मैं सब्जी बना रही थी तो यहाँ पे सब्जी में नमक डाल दूंगी, लास्ट है नमक डालना, तो बस अब नमक डाल के 2 मिनट और फ्राई होने दूंगी और सब्जी बन जाएगी। और इसके बाद इसमें दूसरी सब्जी जो मैं बैंगन की बना रही हूँ उसके अंदर मैं लहसुन और अदरक डाल दूंगी कूटकर, इसमें प्याज डाल दूंगी, सॉरी टमाटर, 2 टमाटर मैंने पीस लिए हैं और पीस कर उन्हें भी ऐड कर दूंगी। तो ये मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, अच्छे से इन्हें भूनूंगी टमाटरों को। और टमाटरों को भूनने से पहले मैं हमेशा नमक ऐड करती हूँ ताकि अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है और अब इनको मैं फ्राई करूँगी 2 मिनट के लिए। और मैं भिंडी की सब्जी के लिए आपको मतलब बता रही हूँ, मस्ट है अगर आपके पास कोई आम का अचार हो और उसका तेल हो ना, वो थोड़ा सा भिंडी में डाल दो और उसके ऊपर से अगर आम चाहो तो आम का मसाला भी आप डाल सकते हो, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। जो भिंडी नहीं भी खाते ना वो भी भिंडी खाने लगेंगे, ये ट्राई करके ज़रूर देखना आप। और बस यहाँ भिंडी की सब्जी मेरी बन गई है और अब मैं इधर अपना बैंगन की सब्जी बना लूँगी। तो बैंगन की सब्जी के लिए अब मैं ट्राई करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टमाटर है मुशी हो चुके हैं, तेल अलग हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मसाले, तो मसाले में जाएगा धनिया पाउडर 2 चम्मच भरकर, इसमें धनिया पाउडर का टेस्ट अच्छा आता है। और इसमें जाएगा 1 चम्मच भरकर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च जाएगी। और इसको मैं अच्छे से चला लूँगी और मसाले चलाने के बाद तेल अच्छे से भूनने के बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च। ये जो लाल मिर्च है कश्मीरी लाल मिर्च है, कलर बहुत अच्छी आती है सब्जी में। तो बस अब मैं लाल मिर्च ऐड कर दूंगी और अब इसके अंदर मैं सारे बैंगन डाल दूंगी। बैंगन को इसी तरीके से काटने हैं जैसे हम प्लस का साइज बनाते हैं, उस तरीके से बैंगन को काट लेने हैं। अब इसके अंदर मैं सारे बैंगन डाल के पानी ऐड कर दूंगी, यहाँ पे मैं 1 ग्लास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ और ढक के इसे रख दूंगी। और साथ के साथ फटाफट से मैं आटा गूंद कर तैयार कर लूँगी। तो मैं यहाँ से एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ और यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ। मैंने सोचा सारी वीडियो आज पूरी बनाऊँगी फुल डे की। और यहाँ पर मैंने एक ड्रिंक बनाया है, ये ड्रिंक बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसकी रेसिपी मैं बाद में आपसे कभी शेयर करूँगी। और यहाँ पर मेरा आटा भी गूंद गया है और अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। फटाफट से ग्लास में मैं ड्रिंक निकाल लूँगी और इसे जल्दी से पी लूँगी, बहुत रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है ये। आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पापा सीना देख सकते हैं कितना अच्छा खासा आया, सुबह से ही काम कर रही हूँ। हस्बैंड की तबीयत ख़राब होती है तो वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। और बहुत मन था आप लोगों से बात करने का, काम का तो होता ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरे घर का सारा काम हो गया है, मैंने कुकिंग भी कर ली है, मैंने बनाया है बैंगन की सब्जी और भिंडी, भिंडी में मेरी बन चुकी है, बैंगन अभी बन रहा है। और जो मैंने अभी ड्रिंक आपको दिखाया बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, बहुत ही यूजफुल ड्रिंक है, कोरोना में भी बहुत फ़ायदा करेगी क्योंकि इसमें हल्दी और अदरक है जो कि आपको पता ही है हल्दी एंटीबायोटिक होता है और अदरक हमारे जरूरी है, सभी बोल रहे हैं आजकल सोट और अदरक पीना है। तो ये ड्रिंक मैं आपका शेयर कर दूंगी बहुत जल्दी। इसको बनाया था मैंने, इसकी रेसिपी नहीं मतलब वीडियो नहीं बनाई इसकी, अगली बार इसको बनाऊंगी तो इसकी वीडियो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। आप मुझे देख सकते हैं कितना अच्छा खासा पसीना आया हुआ है, मैं कुकिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कुकिंग करते वक्त पसीना आ ही जाता है। तो चलिए फटाफट से ड्रिंक पी लेती हूँ और मैं अपनी कुकिंग को फिनिश कर देती हूँ। आटा गूंद दिया है, बस रोटी बनानी है, फटाफट से रोटी बनाऊंगी, हस्बैंड को दे दूंगी, उसके बाद मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में गाइस।
बात करने तक का टाइम नहीं है। मैं सोची थी ब्लॉगिंग कैसे करूंगी, बट हो गया। जब मैंने न्यूज़ सुनी तो मुझे लगा जैसे मुझे ही हो गया ये कोरोना, जिसकी फैमिली को होगा, मैं रोना नहीं चाहती आप लोगों के साथ, जिसके भी घर में ये होगा उनको पता होगा, उनकी वाइफ को पता होगा कैसा फील होता है एक ही घर में रह के अलग अलग रहना पड़ता है। बच्चा मेरा छोटा है, वो रोज कहता है पापा को गले लगाना है, मम्मा पापा को गुड मॉर्निंग बोलना है, पापा को गुड नाइट बोलना है, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं मिल सकते। तक्ष को बिल्कुल मना किया हुआ है, तक जब भी वो कमरे से बाहर निकले डबल मास्क पहन के निकल रहा है, मैं भी डबल मास्क पहन रही हूँ। हर दो दो दिन में हम अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये सैनिटाइजर की जो बॉटल है, 3 दिन पहले ली थी और आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिश हो चुका है। हर चीज को मैं सैनिटाइज कर रही हूँ ताकि हम लोग ठीक रह सके, क्योंकि मुझे ठीक रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं ही बीमार हो गई तो मैं इन दोनों का ध्यान कैसे रखूंगी। तो आप लोग अपना प्यार दीजिएगा मुझे और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, तक चिल्लाओ मत बेटा, सपोर्ट कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा और विश कीजिएगा कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो चलिए कुकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ 3 से 4 मिनट हो गए हैं, बैगन अच्छे से मेरे पकने लगे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी एक मसाला जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये है पीनट, मतलब मूंगफली का मसाला। तो मैंने इसे रोस्ट करके इसको मैंने भून कर रख लिया था पीस कर, तो इसके अंदर मैं 1.5 चम्मच के करीब ये डालूंगी। इसमें थोड़ा सा नमक डालकर पीसा हुआ है मैंने, तो इसलिए नमक मैंने ऑलरेडी पहले कम डाला हुआ है। और ये चटनी के रूप में भी खाया जाता है, जैसे आप इडली बना लें या फिर आप डोसा बना लें तो चटनी बनाकर भी आप इसे खा सकते हैं। और इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, तो यही इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है जो बहुत ही यम्मी बना देता है इस फूड को। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी, जितना भी आपको पानी चाहिए, जितना भी ग्रेवी चाहिए। इसमें ग्रेवी अच्छी खासी आप बना सकते हैं, क्योंकि इस मसाले में थोड़ी सी ग्रेवी हैवी हो जाती है। तो बस ये मसाला बनकर तैयार हो गया है और ये सब्जी भी बनकर तैयार हो गया है, बहुत अच्छी बनती है गाइस, जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी थाली यहाँ पर लग गई है, हमारी थाली ये है, ये है डिलीशियस बैगन की सब्जी जो बहुत यम्मी बनती है गाइस। बैगन की सब्जी मस्ट ट्राई कीजिएगा गाइस, आप सीरियसली बोलोगे किरण अच्छी रेसिपी बताई है तुमने, बहुत अच्छी बनती है ये, बहुत ही यम बनती है। और ये भिंडी की सब्जी, जो भिंडी नहीं खाते वो इस तरीके से बनाइए, बहुत ही खट्टी खट्टी सी बनती है, टेस्टी लगती है। और यहाँ पे हमारा सैलड है, तो सैलड में मैंने बीटरूट ले लिया है, गाजर ले लिया है और ये खीरे ले लिए हैं, यहाँ रोटियाँ हैं। तो ये है आज है हमारी की, आज की हमारी थाली। तो ये वाला वियर ले लिया था मैंने तक्ष के लिए, इसे धोकर मैं इसको तक्ष को पहना रही हूँ। बिल्कुल नया था लेकिन मैं नया नहीं पहना सकती थी, पहले मैंने इसे वॉश किया डेटॉल से, फिर मैं आज तक्ष को ही पहना रही हूँ। तो यहाँ पे तक्ष मेरा रेडी हो गया है, कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। ये अभी नया नया परचेज किया है, इसके ऊपर भी व्लॉग आएगा बहुत जल्दी, शेयर करूँगी आप लोगों से। बताना जरूर भाई कैसा लग रहा है मेरा तक अपने नाइट सूट में। इसका पहला नाइट सूट है गर्मियों का, है ना? हाँ, मेरा गर्मियों का पहला नाइट सूट है। कमेंट करके बताइए सारे लोग, किसी किसी को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कमेंट करके, आपको ये पसंद आया क्या नहीं पसंद आया। अच्छा लग रहा है, दिखाओ, पीछे हो जाओ, पीछे पूरा पीछे हो जाओ। सबसे पूछूं? हाँ। क्या पूछूं? अपनी नाइट सूट में कैसा लग रहा हूँ? इधर देख के तो पूछो लोगों से। तो गाइस यहाँ पर खाना वाना हो गया है, हस्बैंड को खाना दे दिया है मैंने, और आपके साथ बहुत सारे पुराने वीडियोस हैं वो भी डालने हैं मुझे एडिटिंग करके। फ़ोन एकदम स्टोरेज एकदम फुल हो चुकी है फ़ोन की, तो किसी भी तरीके से मुझे इसे क्लीन करना होगा, नहीं तो फिर आगे वीडियो बन ही नहीं पाएगा। गाइस आज पूर्णिमा का बहुत बड़ा दिन है, आज बहुत बड़ा चांद निकलेगा जो शाम को आपके साथ में शेयर करूंगी। और यहाँ पे खाना वाना हो गया है, हस्बैंड को भी खाना दे दिया है, वो खाना खा चुके हैं, और मेरा नहाना वगैरह भी हो चुका है। और तक्ष के लिए मैंने अच्छी सी ड्रेस ली थी, वो आपके साथ शेयर कर दिया। तक्ष ने नाइट सूट भी परचेज किया था, बहुत दिनों से पहनना था उसको, तो मैंने सोचा चलो पूर्णिमा है आज के दिन इसको नए कपड़े पहना देती हूँ। उसके बहुत सारे कपड़े मैंने परचेज किए हैं, वो आपके साथ एक अलग से व्लॉग बना के शूट करूँगी, उसकी अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। उनमें से एक ड्रेस मैंने इसको आज पहना दिया है ना तक्षु, कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा है ना, कैसा लग रहा है तक्ष आप जरूर बताना, तक्ष को बहुत खुशी होती है। आप लोग इस वाले बेड में ना गद्दे नहीं थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से एक गद्दा ले लिया है, तो एडजस्ट किया किस तरीके से, मैं और तक्ष एक गद्दे पे हूँ, वो अलग से एक गद्दे पे हैं उस वाले बेडरूम में।
तो गाइज अभी हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर शाम को आपको आपसे मिलूंगी और दिखाऊंगी शाम का व्यू। चंदा जब चांद मामा जब निकल जाएंगे तब तक मिलेंगे ना चंदा मामा से, फिर पूजा वगैरह करके आपके साथ शेयर करूंगी। आज पूर्णिमा है, कई लोगों ने फास्ट भी रखे होंगे। तो गाइज यहाँ पर आपको एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, कभी भी कितनी भी परेशानी हो आपको नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव अगर आप हो गए तो इसका मतलब आपने परेशानियों से हार मान लिया है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो एक ही रूम में एक ही घर में रह के हम अलग अलग हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे, तक्ष दिन में 4 बार बोल चुका है कि पापा को गले लगाना है, पापा को गुड मॉर्निंग बोलना है, पापा को गुड नाइट बोलना है, पापा को गले लगाना है, मम्मा क्या हो गया ऐसा पापा को। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मैं दक्ष को किस तरीके समझाती होंगी और अपने हस्बैंड को भी मैं केयर कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को जब सारी चीज़ें पता चली तो वो भी काफ़ी डीमोटिवेट हो गए, लेकिन उन्होंने भी मुझसे शेयर नहीं किया कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे कमज़ोरी आ रही है। लेकिन हस्बैंड हैं मेरे और मैं उनकी वाइफ हूँ, उनका दर्द मेरा दर्द है, मैं अच्छे से समझ गई थी कि वो कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, वो बीमार हैं। तो इस तरीके से मैं भी उनको नेगेटिव नहीं कर रही थी और वो भी मुझे नेगेटिव नहीं कर रहे थे, और बच्चे को तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है अगर हम एक दूसरे को नेगेटिव कर देंगे तो हम बीमार ना होते हुए भी बीमार हो जाएंगे। तो अगर आपको ये पता भी चलता है तो खुद को मजबूत रखिए, खुद पे कंट्रोल कीजिए पहले, उसके बाद अपने बच्चे को भी समझाइए, अपनी फैमिली को भी समझाइए, अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कीजिए, जिसको भी ऐसा हो उसको सपोर्ट कीजिए। उसको ये मत दिखाइए कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उससे हम टच नहीं कर हो सकते हैं, उसे अजीब सी फीलिंग आती है, आप समझ सकते हैं ना। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, बस मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, ये मेन चीज़ है, और यही कीजिएगा, है ना दक्ष। हाँ। पापा को गले लगाना है। हाँ। कब लगाना है? जब पापा ठीक हो जाएंगे। जब पापा ठीक हो जाएंगे, कैसे लगाओगे गले पापा को? जैसे आपको लगाया। अरे मेरा बच्चा, तुम रोए क्यों थे कल? क्यों? पापा के लिए क्यों रोए थे कल? अभी बारिश में इसलिए रोया था। बारिश हुई थी इसलिए रोए थे? हाँ। पापा के लिए बारिश हुई थी इसलिए रोए थे? मतलब किस लिए? बताओ ना, सब लोग सुनना चाहते हैं। मतलब ये पापा मुझे प्यार करते हैं, बारिश से बचाते हैं, पकड़ कूदते हैं जब बारिश आती है। अच्छा, जब बारिश आती है बादल गरजते हैं, इसके पापा इसे गले लगा लेते हैं ताकि ये डरता है, छोटा है बादल से और बारिश से, और तो इसलिए कल डर गया था। चला देते हैं पापा मेरे लिए, क्योंकि ऑफ नहीं रह सके। इसको पापा इसकी रोशनी दिखाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, और क्या करते हैं पापा? और गले लगाते हैं, और बादल जब बहुत तेज बारिश आती है बिजली कड़कती पकड़ के सोते हैं। पकड़ के सोते हैं, 2 दिन से कह रहा है मम्मा पापा क्यों नहीं सो रहे हैं मेरे पास, मुझे पापा को पकड़ के सोना, रात को ये पापा को पकड़ के सोता है, ये मुझे बिल्कुल भी पकड़ के नहीं सोता है, लेकिन अभी से मुझे पकड़ के सोना पड़ रहा है ना तक्ष। आप समझ सकते हैं मैं कितनी अंदर से दुखी होंगी, और फिर भी मैं हंसती रहती हूँ, मैं मुस्कुराती रहती हूँ। जब तक सिचुएशन से हम लड़ सकते हैं तब तक लड़ना चाहिए, अपने हथियार बोलते हैं ना, हथियार नहीं डालने चाहिए। और भगवान से मुझे पक्का यकीन है कि मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। भगवान, अल्लाह और जो भी हैं इस दुनिया में, जितने भी लोग जो भी चीज़ मांगते हैं, मुझे सब पे यकीन है कि मेरे हस्बैंड जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आप लोग भी बिलीव कीजिए और केयर कीजिए, विटामिन सी की कैप्सूल दीजिए, मल्टी विटामिन दीजिए, डॉक्टर से लिखवा के गले जो ब्लॉक हो जाता है, मेरे हस्बैंड का गला ब्लॉक हो गया था, उसकी टैबलेट अलग से आती है वो दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी अपनी फैमिली के लिए। तो चलिए मैं तक्ष को थोड़ी देर सुला लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और मैंने तक्ष को सुला दिया है, तक्ष सो गया है, और अब मैं लगती हूँ पूजा में, तैयारी कर लिए पूजा की। और आज आप सभी को पता होना चाहिए हनुमान जयंती भी है, तो फटाफट से हनुमान जी को मैंने यहाँ पे लड्डू चढ़ा दिए हैं, और यहाँ पे मेरी हो रही है पूजा, और मंदिर मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, बहुत ही आराम हो गया है, खड़े होकर भी पूजा इजीली किया जा सकता है। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो जाएगी, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए नीचे चले जाएंगे, और मैं आपको आज चाँद दिखाऊंगी, आप देख लीजिए कितना अच्छा चाँद निकला हुआ है। तो मैं यही अपना नीचे टहलने चली गई थी, इसके पापा ने चाँद की भी वीडियो बना ली। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही होगी गाइस, कल मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो और नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपनी फैमिली और अपना ध्यान रखिए।